राजेंद्र नगर स्थित कुष्ठ आश्रम परिसर में इस्माइल रोटी बैंक ट्रस्ट गोरखपुर के तत्वावधान में सदगुरु एजुकेशनल सोसाइटी और इस्माइल होम का उद्घाटन जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने फीता काट कर तथा दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट अजित कुमार सिंह, जिला प्रमोशन अधिकारी सर्वजीत सिंह सहित संस्था के पदाधिकारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर स्वच्छ पर्यावरण के लिए जिलाधिकारी ने पौधरोपण भी किया। आपको बता दें कि इस्माइल रोटी होम में बेसहारा, मानसिक विक्षिप्त तथा दिव्यांग जनों के रहने सोने सहित इलाज की भी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। इसमें अभी तक 10 मानसिक विक्षिप्त लोग रह रहे हैं। इन लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की तथा उन्हें आश्वासन दिया कि यहां कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया कि यहाँ रहने वाले व्यक्तियों के रहने खाने सहित स्वास्थ्य चेकअप की भी सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पहचान का भी प्रयास किया जा रहा है, जिससे उन्हें घर भिजवाया जा सके। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा, जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह सर का अधिकारी उद्घाटन करें कि कर्ता ध्वनि के साथ इस गौरवशाली क्षण का स्वागत एवं अभिनंदन करें। श्रीमान आजाद जी से अनुरोध है कि श्रीमान जिलाधिकारी थोड़ा बचा करके हम लोग इसको रखे थे। इसका 3-4 संपत्ति है। एक संपत्ति हम लोग अक्षय पात्र को भी दिया है। जल्दी अक्षय पात्र अपने काम चालू करने वाले हैं। बच्चे हैं, लेबर में काम करने वाले हैं, वो गरीब लोग का है, वो यहाँ जो रहते हैं उस लोग का भी मिलेगा। उसी पहल से ताकि वो बनाने में तो करीब वो 8 महीने से 1 साल लगता है। उसके पहले हम लोग सोचते रहते यहाँ जो कितने NGO उन्हीं के माध्यम से उसी के पहले चालू कर दें। खासतौर पर जो आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन में और सड़क में, बस स्टेशन में ऐसे लोग मिलते हैं, मतलब हम किसी न किसी जल्दीबाजी में उन लोग नजर करते चले जाते हैं। वो भी हम लोग का सोसाइटी के अंग है। किसी न किसी वजह है उन लोग किसी न किसी वजह उसी हालत में आ गए, मानसिक रूप से पीड़ित हो गए, डिप्रेशन में, कुछ लोग सिज़ोफ्रेनिया में है, कुछ लोग और अनेक बीमारी में, किसी न किसी वजह घर से छूट गए, नहीं तो घर से छोड़ा गया है। इन लोग भीख मांगने तक नहीं जानते हैं। हम सोच रहे तो कम से कम तो हम लोग के सामने कम से कम तो गोरखपुर में कोई भूखे ना रह जाए, उसी के हम लोग एक पहल किए। यहाँ भोजन वोजन रुकने के लिए व्यवस्था हम लोग चालू कर रहे हैं और गाड़ी के माध्यम से इसी के अलावा वो लोग भी है, उन लोगों को भी कवर करने के लिए प्लान कर रहे हैं। उसका प्रारंभ हम आज से किए हैं। इसका क्षमता तो 20-25 लोग का है, बट इसको तो धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे। केवल मानसिक विक्षिप्त लोग का नहीं है इस आश्रम में, यहाँ बुजुर्ग लोग का भी रखने के लिए हम लोग इंतजाम कर रहे हैं और अनाथ लोग का भी रखने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। उसको धीरे धीरे फंड जुटा रहे हैं। मैं आपसे माध्यम से आपसे मैं अपील करना चाहता हूँ
मानव दृष्टिकोण से आप लोग सीधे भी इन लोग आकर के मिल सकते हैं, इन लोग को जो भी मदद कर सकते हैं आप कर लीजिए, ताकि ऐसे नागरिक ही हम लोग को भी कर्तव्य बनता है, हम लोग का साथी लोग कोई तकलीफ में है, दर्द में स्थिति में है, उसको आप लोग सेवा नहीं करेंगे तो फिर भगवान के कितने प्रार्थना करेंगे, कोई पुण्य मिलने वाले नहीं। यहाँ जो बस गोरखपुर में कोई भूखे नहीं रहना चाहिए था और ऐसे स्थिति में ना रहना चाहिए था, बिना कपड़ा का और मतलब जो बेसिक कम्युनिटीज है वो तो नहीं। आपसे बस माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ, ऐसे भी कोई लोग मिलते हैं तो कृपया करके हम लोग संपर्क करिए। यहाँ तो पुरुष के लिए हम लोग व्यवस्था कर रखा है, महिला के लिए घंटाघर में हम लोग का महिला शरणालय है, वहाँ भी 30-40 लोग फिलहाल इस समय में है, महिला लोग के लिए अलग व्यवस्था है। यहाँ आसपास 7-8 जनपद का जो लोग यहाँ आते हैं, जैसे मानसिक उच्छित लोग हैं, 18 साल के ऊपर वाले का रखने के लिए व्यवस्था है, उसको भी इंतजाम करेंगे। पुरुष लोग को यहाँ रखेंगे, महिला के लिए घंटाघर में सरकारी व्यवस्था है। आपसे चाहता हूँ कि कंधे से कंधे मिलकर के हम काम करेंगे, तो ऐसे कोई नहीं रह जाएंगे गोरखपुर में भूखे और प्यासे। बचा लो उसको, लगाना बड़ी बात नहीं है, बचा लो मस्ट है। क्यों सर, तो ये अपना पैसा पीछे रहता है। इतना कार्य है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। यार ये कुष्ठ सेवा आश्रम है, यहाँ आप जानते हैं जो पहले से चला आ रहा है, हम लोग एक पहल किया है, खास तौर पे मानसिक विकसित लोग का यहाँ आज से कल, तो वैसे तो विकलांग दिवस है, राष्ट्रीय विकलांग दिवस और यूनिवर्सल हैंडीकैप डे है, उसी के पहले नज़र रखते हुए हम लोग इस समय में देख रहे हैं तो जाड़े के भी मौसम चालू हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं किसी न किसी वजह यहाँ घुमंत हो गए, घूमते रहते हैं, उन लोग को हम लोग एक शरणालय दिया है, यहाँ डॉक्टर का भी व्यवस्था है, भोजन का व्यवस्था है, हम प्रयास करेंगे इन लोगों को जल्दी से जल्दी इलाज करके, कहाँ का है पता इतना कुछ पता चल जाता है वहाँ भेज देंगे। उसको शुरुआत है यहाँ खासतौर पर, यहाँ स्माइल रोटी बैंक है, NGO है यहाँ का, जो कितने लोग हैं मिलकर कर रहे हैं, ये अच्छा पहल है, हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। आपसे दर्शक का इसी चैनल माध्यम से भी मैं अवगत करना चाहता हूँ, ऐसे लोग मानसिक विकसित लोग कहीं भी आपको दिखाई पड़ते हैं, मिलते हैं, तो कृपया करके हम लोग अवगत करा दें, उन लोगों का हम शरणालय में रख करके इलाज करा करके वो उचित जगह भिजवा देंगे। काफ़ी विशिष्ट है सर, काफ़ी परेशानी भी होती है लोगों को देखने में, तो कितने लोग अभी इस समय यहाँ? फिलहाल 10 लोग शुरुआत में हैं, यहाँ 20-25 की कैपेसिटी है, जो कितने लोग मिलते हैं उस हिसाब से हम व्यवस्था करेंगे। यहाँ जो साइकेट्रिस्ट है जिला अस्पताल में, उन्हीं के भी ड्यूटी लगा रखा है, रेगुलरली आकर के चेक करेंगे तो फिर दवा दे देंगे, और इन लोग आधार माध्यम से और पुलिस का जो रिकॉर्ड के माध्यम से कहाँ का पता चलेगा, तो फिर उनका गार्डियन कुछ मिल जाता तो उन लोग का संपर्क करके फिर उन लोग का वहाँ भेज देंगे। हम पहले जो रखने के लिए इन लोग एक तरफ मानव दृष्टिकोण से, एक मान्यता दृष्टिकोण से इन लोग को पहले मतलब ये काम इंसान बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद वो सफल मिलेगा तो फिर उस हिसाब से हम